अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे इधर दावत है मम्मी के घर में, क्योंकि जो हमारे ब्लॉग्स में आपने देखे रहोगे, जिसमें शादी वाली में हम लोग गए थे, मेरे भांजे की शादी हुई थी, तो उसकी दावत अभी तक पेंडिंग थी, क्योंकि हम लोग को वक्त भी नहीं मिल रहा था। यहाँ उसकी शादी के तुरंत बाद हम लोग को बाहर जाना पड़ा था, तो इसके लिए अभी हम लोग दावत रखे हैं, मम्मी ने रखे, मेरी तो दावत पेंडिंग है, शायद मैं नेक्स्ट वीक में रखूँ। तो अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं मम्मी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए अभी आएंगे हमारे घर में गेस्ट, ये मानी ईद की भी दावत हो जाएगी, इसलिए हम लोग ने सभी को एक साथ बुला लिया। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ चल रही है स्टार्टर की तैयारी, मम्मी यहाँ पे कटलेट की तैयारी कर रहे हैं। हे फ्रेंड्स, तो ये पुलाव की तैयारी हो रही है, मम्मी बना रहे हैं घर में, और यहाँ पर हम लोग अभी शीरखुरमा मैं बनाऊँगी। आज घर में ही हम लोग मम्मी खाना बना रहे, क्योंकि मम्मी बना सकते, मैं नहीं बना सकती इतने लोगों का खाना, है ना मम्मी। ए फ्रेंड्स, तो मैं शीरखुरमा बना रही हूँ सबके लिए, मैं मम्मी को बोल देती थी शीरखुरमा मैं बनाऊंगी, और स्टार्टर भी हमारे रेडी हो गए, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो गुड्डी बाजी आ गई है, रुको मेरा कैमरे पे कुछ लगा है, जो हमेशा लेट आने वाले मेहमान है वो आज जल्दी आ गए, आज जल्दी आने वाले मेहमान है उनका अभी तक ठिकाना नहीं है, है ना बाबू। हाँ क्या सही बात है, कितना बज रहा जरा देखती हूँ, पौने 10 हो रहे हैं रात के, वो भी अभी खाना भी नहीं खाया हम लोग ने। हाँ, हमारी गाड़ी राइट टाइम पे है, छुट्टी चल रही है ना, इसमें स्पोर्ट करना टेंशन नहीं है। सही है, सही है, सही है। तो क्या बोल रही फिर मैं, पौने 10 हो रहे फ्रेंड्स। यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्टर फ्राई कर रहे हैं, ये चिकन पॉप्सिकल्स और ये कटलेट है चिकन के, तो मैं बोली मम्मी को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब एक साथ आ जाएगी, इसलिए ये पुलाव बन रहा है साइड में, और यहाँ मेरा शीरखुरमा भी रेडी हो गया है। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो पहले बॉयज़ को बिठाएंगे। इसमें एक न्यू भाभी बनी है, और मैं उनको दावत दी हूँ, और मम्मा ने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाए थे, और बहुत अच्छा खाना था वो, और उनने भी खाए थे, और वो बहुत अच्छा था, अगर तुम लोग आते तो मैं तुम लोग को भी खिलाती थी। गाइस, कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी तो मैं अपनी भाभी से मिला आई थी, ये देखो। हेलो गाइस, मैं इसकी भाभी हूँ, इतनी छोटी सी मेरी ननंद है, और हम लोग दावत पे आए थे। हाँ, तो सब्सक्राइब करना ना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और शेयर करना, और जो लाल बटन है ना, उसको भी क्लिक कर देना। ओके, थैंक यू गाइस, बाय। द नेक्स्ट डे। हे फ्रेंड्स, तो आज हमें है मेरे ननन के घर की दावत, एक्चुअली उन्होंने न्यू होम ली है, तो उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी है आज, तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं, और भी गेस्ट आएंगे वहाँ पर, इंशाल्लाह मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ आज। आके लोकेशन पहुँचे हैं, मेरे ननद का घर है, माशाल्लाह अभी उन्होंने लिए है, तो उनके घर की होते ना घर भरा हुआ, वैसी है, तो आज हम लोग उनके घर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनका घर भी, दिखाऊंगी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है मेरे, और अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, मम्मी लोग भी दिखाते हैं।
छोड़ना चाहती है। आज मैं जा रही हूँ मायरा की खरीदी करने, घूमने के लिए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? और जा रहे हैं सभा कुछ करते हैं, दावत है ना आप लोगों को, सभा कुछ क्या दावत है। लिपस्टिक फैल गई तो बता रही है ना नानी को, लिपस्टिक फैल गई नानी की। फिर आसमान पर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ कपड़े खरीदेंगे, चप्पल लेंगे, थोड़ा बम्बई का बाजार दिखाएंगे। मैं कपड़े पर मैं तो लूंगी कपड़े, चल पाओ बम्बई जा, बम्बई जाना है लोग को, चलने का टेंशन हो जाता है, बहुत चलना पड़ता है तो उधर से चल सकते। हे फ्रेंड्स, तो मैंने शॉपिंग कर ली थी और अब मैं अपनी ननन के घर जा रही हूँ। ये उनका नया टावर बना है, ये है प्रॉपर भाईकल्ला से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो हम लोग गए के घर पे क्योंकि उन्होंने हमको दावत दिए थे। मैं आपसे शेयर करूँगी पर मैं पूरा माले से व्यू, माशाल्लाह व्यू देखो मम्मी, यही दीवानापन लगता है मेरे को बस। हाँ बहुत अच्छा बड़ा है, अच्छा खासा है। हे फ्रेंड्स, तो अब हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, तो स्टार्टर में जो मैं खा रही हूँ ये है फॉइल चिकन, जो मतलब चाइनीज़ सॉस में ज़्यादातर इसका इंग्रेडिएंट है, चाइनीज़ के जैसे स्टार्टर है, चाइनीज़ स्टार्टर बोला जाएगा, सो अच्छा है खाने में। और यहाँ पर मेरे तीनों मुमानी सास लोग बैठे हैं, हम लोग सब साथ में ही खाना खा रहे थे। हे फ्रेंड्स, तो मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मैं पूरे घर का व्लॉग नहीं ले पाई, वो इसलिए क्योंकि गेस्ट थे और सब कैमरे में आ रहे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो तब मैं ज़रूर लूंगी पूरे घर का। तो मैंने सिर्फ एक बेडरूम का शूट किया, तो मैं यहीं पे इस व्लॉग को एंड करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।